नमस्कार। 31 जनवरी से संसद सत्र शुरू हो रहा है और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। लेकिन आपको पता है भारत के इतिहास का बजट कब कब पेश किया गया? अगर आपने भारत के इतिहास का बजट नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। यह आपके जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप विद्यार्थी हो तो। ये जानना जरूरी है कि भारत के इतिहास का बजट किस किस ने पेश किया और कब कब किया, तो इसके बारे में आज अपन जानते हैं। आइए देखिए, ब्रिटिश काल में पहली बार जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तब पहली बार किसने बजट पेश किया, ये देखिए आप। भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया। पहली बार भारत में, गुलाम भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया। और ये किसने किया, नोट करना आप, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने पेश किया। ये देखिए आप, जेम्स विल्सन ने गुलाम भारत का पहला बजट पेश किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का बजट पेश करने वाले शीर्ष पद पर पहले व्यक्ति थे। भारत का बजट, जब आजाद भारत का बजट पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे शीर्ष पद पर। और ये कब किया, 1958 से 59 के बीच में। इन्होंने वित्त विभाग संभाला था, इनके पास प्रधानमंत्री तो थे साथ में, ये वित्त विभाग भी संभाल रहे थे। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक किसने बजट पेश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करने में। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई, फोटो देख रहे होंगे आप, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है भारत का, ठीक है। इसमें आठ तो इन्होंने बजट पेश किए और 2 अंतरिम बजट इन्होंने पेश किए थे। इसके बाद में यूपीए में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम, इनको तो आप जानते होंगे, पी चिदम्बरम बहुत बड़े वकील हैं इंडिया के, यूपीए में वित्त मंत्री भी रहे थे। इन्होंने 9 बार भारत का बजट पेश किया गया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 8 बार भारत का बजट पेश किया, ये भी यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। इसके बाद यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे, इन्होंने 8 बार बजट पेश किया गया। उसके बाद वापस मनमोहन सिंह ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, इन्होंने 6 बार भारत का बजट पेश किया गया। इसके बाद पहले ऐसे वित्त मंत्री थे भारत के जो वित्त मंत्री रहते हुए भी भारत का बजट पेश नहीं किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसी नहीं होगी। यह भारत के अकेले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने पद पर रहते हुए भी बजट पेश नहीं किया, कैसी नियोगी, याद रखना आप। भारत के पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जो वित्त मंत्री होते हुए भी भारत का बजट पेश नहीं किया था। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आजाद भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी, इंदिरा गांधी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री पूर्णकालिक जो बनी, जो भारत का बजट पेश किया, ये भी आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो सकता था। इंदिरा गांधी बिल्कुल बजट पेश किया, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी थी और साथ में वित्त मंत्री भी थी, दोनों थी, लेकिन निर्मला सीतारमण सिर्फ वित्त मंत्री रहते हुए पहली ऐसी महिला थी जिसने बजट पेश किया गया। इससे पहले किसी भी वित्त मंत्री महिला नहीं रही है, ये आप नोट कर लेना भारत के इतिहास में। और इसके बाद देखिए, भारत के इतिहास में 2021 में पहली बार बजट पूरी तरह पेपरलेस हो गया और इसकी कोई भी छपाई नहीं हुई है। पहले तो बजट कागजों में छापा जाता था और बड़े बड़े ढेर लग जाते थे, 2021 में पहली बार बजट पूरी तरह पेपरलेस हो गया, एक भी सिंगल पेपर बजट का इसमें छपाई नहीं हुई, सारे कंप्यूटराइज और सारे सॉफ्टवेयर, सारे ऑटोमेटिक सिस्टम से ही पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो ये बहुत ही जरूरी जानना है आपको बजट से पहले कि भारत के बजट का इतिहास क्या क्या रहा है। इसी के साथ आज यहीं, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं।